डोंगरगढ़ में अमृत महोत्सव रैली निकालकर अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अमृत महोत्सव के अवसर पर राजा कमलाकर इंटर कॉलेज से पदयात्रा रैली निकालकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि कार्यक्रम के संयोजक खंड प्रचारक नरेंद्र गुप्त ने कहा कि इस वर्ष अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पूरा देश इस अवसर पर अमृत महोत्सव के माध्यम से आज़ादी के लिए बलिदान हुए अपने स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों एवं वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके बलिदान के कारण ही हमें आज स्वतंत्र भारत में खुलकर सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुण्य आत्माओं ने स्वाधीनता के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, इसलिए कि मेरे देश में आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सम्मान से जी सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यमुना पार के प्रत्येक गांव में तिरंगा यात्रा, भारत माता पूजन व पदयात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। रैली नगर पंचायत के राजा कमलाकर इंटर कॉलेज से शिक्षक नगर, पुरानी बाजार, लाइन पार, रेलवे फाटक, सदर बाजार, राम भवन चौराहा, राजा कोठी से होते हुए पुनः राजा कमलाकर इंटर कॉलेज पहुंची। अमृत महोत्सव रैली में मुख्य रूप से खंड कार्यवाह नरेंद्र गुप्त, रामानुज गुप्ता, प्रेमचंद्र केसरवानी, संजू कुमार, अनिल सिंह आदि सहित सैकड़ों छात्र रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की खास रिपोर्ट।